कमी सरकार इस प्रकार की कामा पदवर्षी सेना जिंदाबाद होश में आ होश में आ बिहार सरकार की निकम निर्दोष सरकार गिरफ्तार नहीं किया गया जो उसके ऊपर जानलेवा हमला करने का काम किया है लगन के ऊपर जानलेवा हमला करने का काम किया तो उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया उसके लिए हम लोग धरना यहाँ आंदोलन एक ही सबसे बड़ी बात है कि आप लगातार जनता दरबार कर रहे हैं आप धरने पा रहे हैं जनता दरबार में रोचक घटनाएं हो रही है कल पहलवानी भी हो गई नहीं वो तो जनता दरबार वहाँ लगाए थे उसका है कल गणतंत्र दिवस लेकिन अभी जो मसला बना हुआ बहुत गंभीर मसला क्या ये कौन सा लड़का है जिस पर किन लोगों ने हमला किया गगन लड़का है अपना छात्र राष्ट्रीय जनता दल का लड़का और जन अधिकार पार्टी के गुंडे मवाली लोग हैं जो हमला करने का काम किए हैं जब तक ये लोग गुंडे मवाली गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक छात्र के जितने भी लोग हैं आंदोलन सरकार जो फेलियर सरकार है जब तक आराम से माइक आराम से रखा इनको दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक जो छात्र के नौजवान जितने भी लड़के हैं यहाँ पर धरना पर बैठेंगे शांति 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 नारा कोई नहीं लगाएगा नारा कोई नहीं लगाएगा फोन नंबर से फोन आया था कि अगर FIR करोगे तो तुमको भी गोली मार देंगे वहाँ पर अगर तुम रहे तुम्हारे सहयोग से अगर FIR हुआ गगन कुमार FIR करता है पप्पू यादव के गुंडों पर तो तुमको गोली मार दिया जाएगा इस प्रकार का धमकी हमको भी मिला था एक फ़ोन नंबर से जिसका नंबर हम थानाध्यक्ष जी को लिखवा चुके हैं राजा नाम बता रहा था राजा जैक्सन का निवास रहता है इसी नाम से बताया था धमकी दिया था कि जान से मारने का गोली मारने का फोन नंबर नोट करवा आश्वासन दिया कि दो दिन के अंदर जो दोषी है जो गगन को जो जिस तरीके से बुरी तरीके से हत्या करने के लिए जान लेने के लिए जो मारने का जो काम किया है उसको दो दिन के अंदर गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा दो दिन के अंदर इन्होंने हमको आश्वासन दिया अगर नहीं हुआ तो तेज प्रताप नहीं हुआ तो चरणबद्ध तरीके से पूरे बिहार में तेज प्रताप यादव आंदोलन करने का काम करेगा चक्का जाम लड़कों के बीच में मारपीट हुई थी जिसमें गगन यादव नाम का लड़का जो कि राजद पार्टी से संबंध रखते हैं उनके साथ बताया जा रहा है कि पप्पू यादव जी के पार्टी के कुछ लड़कों द्वारा मारपीट किया गया जो कि दोनों PG हॉस्टल में ही रहते थे जिसमें वो गगन जख्मी है इसके संदर्भ में सुल्तानगंज थाने में 33-19 कांड दर्ज किया गया है उसी कांड में अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए उनके द्वारा थानाध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया गया कि अभियुक्त की गिरफ्तारी होनी चाहिए पुलिस स्तर से कल भी रात में रेड हुआ था मगर घटना के बाद वो अभियुक्त जिसमें 4 अभियुक्त बनाया गया है चारों अभियुक्त अभी यहाँ से फरार हैं उनका अन्य स्थल का पता किया जा रहा है पता करते चलते ही उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाएगा।